प्लीज लक्ष्मी पर कामिनी। एक काम करते हैं कामिनी, ये सारा पैसा हम ले लेते हैं, तुम मुनमुन की शादी करा लेना और मैं संकेत के नए बिजनेस के लिए उसे पैसे दे दूंगी, उसके पापा की बेल भी करा लेगा वो। ये सब ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पागल मत बन दीदी, ये घर जायदाद कंपनी के आगे ये चिल्लर है चिल्लर। जानकी और रौनक के बीच बढ़ती दूरियों में हमें बस खटास पैदा करनी है, उसके बाद ये सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ। लेकिन कामनी, उस काजल साक्षी और रणधीर भाई साहब का क्या होगा? फौड़ में गए वो सब, और वैसे भी वो लोग तो घर छोड़कर जा चुके हैं ना। और धीरे धीरे जानकी की जिंदगी से भी दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए, वो सब ऐश करेंगे और बस फिर कोई खुश नहीं रह पाएगा सिवाय हमारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकी। अब देख कैसे रौनक की अकल ठिकाने आती है और वो कैसे तेरे पास भागा भागा आता है। हाँ दीदी, माँ आखिर माँ होती है, पर एक ना एक दिन बच्चों को उसकी ममता नजर आ ही जाती है। आप देखते रौनक को भी पता चल ही जाएगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया। सॉरी मिस्टर तिवारी, जानकी फाइनेंस हमारी राइवल कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हायर करना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। सॉरी, आपने तो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम किया है, मगर हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। भाई साहब एक कटिंग। हाँ साहब, लाया लीजिए साहब। शुक्रिया। I am sorry, Mr. Rana. मुझे ये समझ में नहीं रहा कि आप यहाँ पर जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप तो जानकी फाइनेंस के ऑनर। भाई साहब, घर वापस आ जा, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, तुम्हारा घर ऐश्वर्या सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो बेटा, मेरी बात मानो रौनक, घर वापस आ जा, वरना तुम ऐसे ही दरवाजे खटखटाते रहोगे और कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। क्या आज इंटरव्यूज में जो कुछ भी हुआ वो आपने करवाया? आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से, मेरी परवरिश की वजह से। ये दुनिया आसान नहीं है जीने के लिए, लेकिन आज तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थे। आपने बिल्कुल सही कहा था, दुनिया रहने के लिए इतनी आसान नहीं है। और आपने ये भी सही कहा कि आज मैं जो कुछ भी आपकी वजह से, तभी तो मैं इतना स्ट्रांग, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, आज मुझे कामयाबी नहीं मिली,
लेकिन कल जरूर मिलेगी और आप खुद देखना। जानकी तूने एकदम सही किया, अगर तू ऐसा ना करती तो रौनक को एहसास नहीं होता कि उसने तेरे पास ना आकर क्या खोया है। हाँ दीदी, आप देखिएगा रौनक जरूर वापस आएगा, वो थोड़ा जिद्दी हो गया है, आपके लाड़ प्यार में थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन देखिए वो जरूर वापस आएगा, मैं कह रही हूँ ना आपसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रौनक मेरे खिलाफ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कामिनी कि मैं क्या करूं। तो बिल्कुल टेंशन मत ले जानकी, मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम्हें लगता है कामिनी कि इस सब के बाद रौनक मेरे पास वापस आ जाएगा? हाँ हाँ जानकी, जरूर होगा, और इस प्लान से जिसकी वजह से सब गलत हुआ है वो भी निकल जाएगा। और फिर कामिनी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, आप देखिएगा इस प्लान के कामयाब होते ही रौनक कैसे वापस आता है आपके पास। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो जो करना है कर लो। रौनक सर, क्या हुआ? बहुत थकी हुई लग रही है, आप यहां बैठिए, ये दीजिए मुझे, आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ ये लीजिए पानी पीजिए। पहले काजल, आज के सारे इंटरव्यूज फेल हो गए। कोई बात नहीं है सर, यहां नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह होगा। नहीं काजल, जब तक हम लोग यहां हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला। मतलब? आज मेरी मुलाकात मां से हुई, इसीलिए मेरा हर एक इंटरव्यू फेल हो गया, कोई भी इंटरव्यू क्लिक नहीं हो सका। मां जी ऐसा? रौनक सर, मुझे नहीं लगता है मां जी ऐसा कुछ कर सकते। वो आपको भोपाल में नौकरी क्यों नहीं करने देंगी? तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? उन्होंने इतना कुछ किया उसके बाद भी तुम उन्हें डिफेंड कर रही हो? सर, उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया उसे सिर्फ ये साबित होता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, और आपको नुकसान पहुंचाने के पहले वो खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेंगी। यू आर इम्पॉसिबल काजल, तुम उन्हें इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकती हो? तुम सब कुछ भूल गई क्या? नहीं रौनक सर, मुझे सब कुछ याद है। मुझे ऐसे लगता है माँ जी की हालत का फायदा उठाकर ये सब कुछ चाची जी और कामिनी आंटी करवा रही हैं उनसे। सब प्लीज एक बार मुझे माँ जी से बात करने दीजिए, शायद हम उनके मन की बात समझ पाए। कोई जरूरत नहीं। And you know what? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं रहा। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।